अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके साथ 1.2 में से कुछ भी ना करें, ठीक है। 1.3 में से आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट कर लीजिएगा और छठा पार्ट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। क्वेश्चन नंबर 5 में से 1 कर लीजिएगा, 2, 3 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में ये 10वां कर लीजिएगा, ठीक है, इनफ ये काफ़ी है। और क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा, इसके दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद 1.4 पे आ जाए। 1.4 में आपने क्या करना, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। तो इसका करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, सिर्फ पहला पार्ट ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 500 रहने दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में से आप कर लें क्वेश्चन नंबर ई कर लें, बस बाकी रहने दें, ठीक है। 5 में से आप कर लें ए बी, पहले वाला पार्ट, ठीक है, इनफ यही काफ़ी है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट में इतना ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, ये दोनों लाजमी कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, 1.5 में से पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत आसान और सिंपल सा है, ठीक है। दूसरा कर लीजिएगा, ये बहुत आसान और सिंपल सा है। और इसके अलावा आप इसमें से कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसमें कोई ना कीजिएगा, यही दो काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद 1.6 जो है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लॉन्ग करने हैं तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। MCQs जो भी आते हैं वो आपके आदमशिप में से आते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 1 इसके जितने भी पार्ट हैं ये सारे MCQs के हैं, तो ये सारे ये एक बार दोहरा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ये भी साथ में कर लीजिएगा। 4 वाला, 4 का आपने करना है पार्ट 1, 2, 3 वाला, जस्ट काफ़ी है, ठीक है। 5वां रहने दीजिएगा, छठा भी रहने दीजिएगा। 7वें के 2 पार्ट हैं जी, 7वां कर लीजिएगा।